आप वीडियो देखने से पहले एक बात याद रखिए वीडियो को आप पूरा देखना है नहीं तो आप बिल्कुल समझ नहीं पाएंगे ओके दिमाग पे ये बात हमेशा रहना चाहिए कि वीडियो आपको पूरा देखना है तभी आपको समझ में आएगा ठीक है वीडियो पूरा नहीं देखते हैं इसके बाद बोलते हैं समझ में नहीं आया ठीक है ना तो आपको वीडियो पूरा देखना है तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वर्वेल वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट जिसे हम लोग हिंदी में कहेंगे स्वर स्वर और स्वर स्वर और व्यंजन व्यंजन कहते हैं हिंदी में स्वर और व्यंजन होते हैं ना उसमें व्याकरण में तो उस उसी उस, उसी की तरह इंग्लिश में हम लोग वर्बल्स एंड कॉन्सोनेंस कहेंगे ठीक है तो क्या है आइए जानते हैं ठीक है चलिए शुरू करते हैं यू नो द इंग्लिश अल्फाबेट हैज़ ट्वेंटी सिक्स लेटर्स ठीक है जैसे कि आपको मालूम है कि इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं ट्वेंटी सिक्स लेटर्स होते हैं ओके फाइव ऑफ डीज आर वर्वल्स तो उनमें से ये पाँच पांच क्या है ए ई आई ओ यू ये पांच क्या है वोवल्स इसे वोवल्स कहते हैं ठीक है ठीक है और दूसरा क्या है द अदर ट्वेंटी वन आर कॉन्सोनेट और छब्बीस में से पांच वोवल्स है और जो बच गए हैं ट्वेंटी वन इक्कीस जो बच गए वो सारे क्या है वो सारे कॉन्सोनेंट हैं ठीक है थीके? तो अभी हम लोग को क्या करना यहाँ पे क्या बोला गया है वी यूज़ ए बिफोर ए ए बिफोर ए वर्ड बिगिनिंग विद ए कॉन्सोनेस साउंड अभी हम लोग यहाँ पर साउंड की बातें करें ठीक है मतलब वर्बल्स या, यानी कि हम लोग जो जो शब्द वर्वल्स के साउंड देते हैं ठीक है ये ज़रूरी नहीं कि आपको यू से ही आएगा ई से ही आएगा ठीक है मैक्सीम वर्वल्स इन इन लेटरस में से आते हैं लेकिन आपको इसका साउंड सुनाए कर सुनना है ठीक है जैसे कि ए का आ साउंड आएगा ये ए आएगा ई आएगा इसका साउंड होगा ओ इसका ओ ही रहेगा इसका ऊ रहेगा ठीक है यहाँ पे देखिए ना एक बच्चा अपने उसके पाँव पे चोट लग गई है जो वो कैसा साउंड निकालेगा जब आपके पैर पे चोट लग जाती है तो कैसा साउंड निकालते हैं आप आ निकालते हैं ना इसके बाद ए ठीक है ई ओ ऊ बोल के निकालते हैं ना वैसे आपको साउंड को ध्यान रखना है ठीक है साउंड जो साउंड आते हैं ओके okay? तो यूर विस्टर्ट वी यूज ए बिफोर ए वर्ड ठीक है बिगिनिंग विथ ए कॉन्सोनेंट साउंड तो हम जब भी कॉन्सोनेंट साउंड जब हम लोग कॉन्सोनेंट साउंड को जब कॉन्सोनेंट साउंड से कोई भी शब्द बनता है उसकी पहले हम लोग ए का प्रयोग करते हैं ठीक है ए को यूज़ करते हैं तो इसमें देखिए ए मैन ठीक है ए मैन हो गया तो मैन एम तो क्या हो गया ये कॉन्सोनेंस साउंड में आ रहा है मैन ठीक है इसके लिए ए लग रहा है ए मतलब एक एक होगा एक ए मैन मीन्स एक आदमी ठीक है ए चेयर मीन्स ए चेयर एक चेयर कुर्सी ठीक है ए यूनिकॉर्न ठीक है एक यूनिकॉर्न इसके बाद ए टेबल ठीक है ए टेबल ए वमेन ए यूजफुल बुक तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे क्या है यहाँ पे ध्यान देने की बात है आपको कहा गया कि ए ई आई यू वोवेल है ठीक है तो ये सब कॉन्सनेट है तो यहाँ पे ये वोवेल साउंड नहीं आ रही ये यहाँ पर आ रहा है ये यूज़फुल यूज़फुल ठीक है ये कॉन्सनेट साउंड है कॉन्सन साउंड है इसके लिए इसके पहले ए अलग रहा है ठीक है ये भी यूजफुल यूनिकॉर्न से पहले ए ही ए लगता है ठीक है आपको ये पहला लेटर देख के सोच रहे होंगे कि इस पर तो यू है ठीक है ये तो वोवेल में है फिर भी इसमें क्या लग रहा है ए लग रहा है ऐसा नहीं है ठीक है तो आगे बढ़ते हैं वी यूज़ एन बिफोर ए वर्ड बिगिनिंग विथ ए वर्वल साउंड और जिसमें ये वोबल साउंड होगा ठीक है ये इन में से कोई भी शब्द में शब्द में इन में से कोई भी साउंड आएगा तो उसमें हम लोग उसके उसके पहले हम लोग एन लगाएंगे ए एन 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 यानी कि एग एन एग यानि कि एक अंडा एन इग्लू यानी कि एक इग्लू इग्लू मालूम है न इग्लू इग्लू एक घर है ना ठीक है जो तो एसकी मोस्ट एस्किमो लोगों के जो बर्फी बर्फ से बनता है घर उसको एक घर बोलेंगे तो एन इग्लू ओके एन आवर देखिए एच साइलेंट में होता है इसको हावड़ नहीं पड़ेंगे आवर पड़ेंगे ओ आ साउंड आ रहा है इसके लिए एन का प्रयोग करेंगे ठीक है एन औल ऑल ऑल आ रहा है ना इसके लिए एन लग रहा है इस पर इसके बाद एन एप्पल एन एप्पल ठीक है एन एप्पल इसके बाद एन अम्ब्रेला आ, आ रहा है ना ठीक है अम्ब्रेला ओके तो ऐसे ही है जो वोवल साउंड जो वोवल के साउंड आते हैं उसके पहले एन लगाया जाता है और जो कॉन्सनेंट साउंड है उसके पहले ए लगाया जाता है ठीक है इसके बाद आइए यहाँ पे कुछ टेस्ट रिवर्सल यहाँ पे आ, आप आप देखिए कौन सा में क्या आएगा ठीक है वन पुट ए और एन विथ द फॉलोइंग्स तो नीचे में जो दिया गया है खाली स्थान दिया गया है वहाँ पे एन आएगा ए आएगा, आएगा आपको भरना है ठीक है तो चलिए ये क्या आएगा गया है ना ए एग एग है ना एन एन बबल सेवन आ रहा है इसलिए एन लगेगा इसमें ठीक है बिग बी आ रहा है ना इसमें बिग एग यानी कि एग तो इसमें ए लगेगा ठीक है इसमें बॉय बॉय से पहले ए लगेगा ऑनेस्ट 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 पढ़ेंगे इसे ऑनेस्ट बॉय ठीक है इससे पहले एन लगेगा एप्पल एप्पल ए आ रहा है ना इसके लिए इसमें एन लगेगा रेड र आ रहा है ना रेड एप्पल उसके पहले ए लगेगा इसके बाद ओल्ड ओल्ड मैन ओल्ड मैन इसमें एन लगेगा ठीक है ए लायन लायन इसमें ए लगेगा इसके एन एंग्री एंग ए ऐसा आ रहा है ना एन लगेगा इसके बाद एन एक्टर ए सामने ना एक्टर इसके लिए एन लगेगा ए ग्रेट एक्टर ए ग्रेट एक्टर एक महान क्या है एक्टर क्या बोलते हैं अभिनेता ठीक है तो वैसे ही आपको इसको करना है ठीक है ठीक है यही बात लग रही है ये ये पांच वोवल है, वोवल है और बाकी सब बचे हुए ट्वेंटी वन क्या है कॉन्सनेंट है उतना आपको याद रखना है और ये आपको होमवर्क करके भेजना है ठीक है ये आज का होमवर्क आपका यही रहेगा इसको करने कर लेने के बाद ठीक है कर लेने के बाद फ़ोटो खींच के मेरे व्हाट्सएप मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर दिया ओके सो थैंक यू ऑल आई होप यू ऑल अंडरस्टूड सो बी ऑनेस्ट ऑलवेज स्टडिंग एट होम एंड टेक केयर